नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी। आप सभी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन ओम सर्क फाउंडेशन के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनजीओ सेक्टर में 2015 से लेकर अब तक जो हमारा योगदान है, साथ ही साथ जो हम एनजीओ सेक्टर में अभी कर रहे हैं, आप लोग को इस वीडियो में शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो अपडेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं, साथ ही साथ जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहिए, उसका इजीली लाभ उठा सकोगे। दोस्तों, सबसे पहले 2015 में हमने एजुकेशनल ट्रस्ट बनाकर समाज कल्याण के लिए, बच्चों के विकास के लिए एनजीओ स्टार्ट किया था, जो बिहार के रोहतास जिला के छोटा सा जगह है चिनारी, वहां से स्टार्ट किया था। दोस्तों, 2015 से लेकर 2018 तक एजुकेशन सेक्टर में ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हमने काम किया। उसके बाद 2019 से लेकर अभी करेंटली हम एजुकेशन के साथ साथ और भी ऐसे 8 ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं, जो हम लगभग 8 से 9 स्टेट में अभी करेंटली काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने के लिए, तो आप इजीली जुड़ सकते हैं दोस्तों। परंतु इसका रूल रेगुलेशन है, जो मैंने आपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का क्या तरीका है। दोस्तों, जो हमारी शुरुआत की जर्नी रही है एनजीओ सेक्टर में, आप लोगों से शॉर्ट में शेयर कर देता हूं। 2015 से स्टार्ट करके एक सेंटर से स्टार्ट किया था, और लगभग 100+ सेंटर हमने अकेले बिल्डअप करके, एजुकेशनल जो हमारा सेंटर थे वो बनाकर, अपने समाज क्षेत्र में जो भी योगदान था वो करना स्टार्ट किया था। परंतु जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी, तो हमारी इच्छा भी ज़्यादा बढ़ी कि चलो अब जो स्टेट लेवल से हम काम करते हैं, अब सेंट्रल लेवल से काम करें। तो दोस्तों, इसी माइंड को सेट करते हुए हमने 2019 में ट्रस्ट एक्ट को छोड़कर सेक्शन 8 कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने रजिस्ट्रेशन कराया। जब दिल्ली में हमने रजिस्ट्रेशन कराया, तो यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ से स्टार्ट किया, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है लगभग 6 से 8 रखा गया स्टार्टिंग में। परंतु अभी मार्च से हमने माइक्रो फाइनेंस को लेकर भी कुछ एडिशनल स्टार्ट किया, अभी छोटे स्तर पर हमने स्टार्ट किया है एक समूह के माध्यम से। परंतु हमारी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे इसको कन्वर्ट करके पूरी तरह से, मतलब एक माइक्रो फाइनेंस की तरफ भी हो सकती है। और अभी जो हम सामाजिक क्षेत्र में करते हैं, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और इस तरह से 8 ऑब्जेक्टिव है, कृषि हम सहयोग भी करते हैं, और साथ ही दोस्तों जो लोग का डिमांड होता है, जो हमारी सोसाइटी का डिमांड होता है, उसके आधार पर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट मिलता है उस पर भी हम वर्क करते हैं। ऐसे दोस्तों, सिंपली बता दूं आपको कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लगातार ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, हमारी तरफ से 7 प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यूसली चलाने के लिए, समाज कल्याण के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे साथ लोग काम करते हैं उनको रेगुलर अपना वर्क देने के लिए, उनको साथ जोड़े रहने के लिए हम 7 प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली रन करते हैं, मतलब परमानेंट चलाते रहते हैं, जिसका जहां पे डिमांड होता है उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे जिस तरह का लोकेशन है उसी के आधार पर हम अपना स्टार्ट करते रहते हैं, और उसको मतलब परमानेंटली चलाते रहते हैं, ताकि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनके लाइफ भी इजी बन सके, और अगल बगल के जो लोग हैं जो हम अपना काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, वो इजीली कर सकें। तो दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इस पे आप भी हम मिलकर काम कर सकते हैं। परंतु रूल रेगुलेशन है जुड़ने का, आप लोग पिछले वीडियो में भी देख लिए होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर कैसे काम कर सकते हैं, इसका क्या सिस्टम है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि अब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर उसका लाभ उठा सको। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।